चेहरे पर डर, आंखों में आंसू, डर से कांपती अनिका। आखिर क्या हुआ है ऐसा, किस हादसे की वजह से सहम गई है अनिका? सीरियल इश्कबाज में अनिका की खुशियों को लग गया है ग्रहण, लेकिन ये हुआ कैसे है ये हम आपको पार्ट में दिखाएंगे। पहले ये देखिए, इस हादसे से कुछ ही वक्त पहले अनिका और गौरी थी कितनी खुश। दोनों बहनें पहले तो शिवाय की बहन प्रियंका के लिए चंदन का लेप बना दी हैं। फिर अनिका ने खुशी खुशी प्रियंका को चंदन का लेप भी लगाया। लेकिन अनिका की ये खुशियां चंद पलों की ही थी, क्योंकि इसके बाद हुआ अनिका के साथ एक हादसा। दरअसल अनिका के साथ किसी शख्स ने की है बदतमीजी, लेकिन अनिका उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाई है। इस हादसे ने अनिका को पूरी तरह तोड़ दिया है। हादसे के बाद अनिका के चेहरे से छिन गई है मुस्कुराहट। डरी सहमी और आंखों में आंसुओं के साथ गौरी के पास पहुंची है अनिका। देखिए तो जरा, इसी दौरान अनिका का फोन तक टूट गया है और घर पहुंचते ही अनिका सुनाती है गौरी को अपनी दुख भरी दास्तान। गौरी अनिका को संभालती है और पुलिस कंप्लेन फाइल करने को कहती है, लेकिन अनिका पुलिस कंप्लेन करने से मना कर देती है। अनिका के लाख मना करने के बाद भी गौरी जिद पर अड़ी है कि अगर पुलिस कंप्लेन नहीं की तो ऐसे लोग आए दिन परेशान करते रहेंगे। वैसे आपको बता दें कि अनिका के साथ बदतमीजी करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रियंका का होने वाला मंगेतर दक्ष है। इतना ही नहीं, रोके की रस्म के दौरान ही अनिका को दक्ष पर शक भी हो जाएगा, क्योंकि पूरे फंक्शन के दौरान दक्ष अनिका से नजरें चुराते नजर आएंगे। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या अनिका दक्ष को देगी उसके किए की सजा? क्या अनिका शिवाय को बताएगी दक्ष की सच्चाई, या फिर अनिका चुपचाप होने देगी प्रियंका और दक्ष की सगाई?